बेमेतरा जिले में हो रहे शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में अनियमितता उजागर। सूचना पटल में समय सारिणी गलत लिखने के कारण परीक्षार्थी परीक्षा दिलाने से वंचित। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा के लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय का है, जहां छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लोक शिक्षण संचालक के अंतर्गत सहायक शिक्षक एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा कराई गई। यहां 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा 9 से 12 बजे तक थी एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 बजे का समय रखा गया था। पहली पाली में 2 परीक्षार्थी छात्रा एवं दूसरी पाली में 1 महिला परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि पहली पाली में महिला परीक्षा दिलाने गई उस समय रोल नंबर को देखते हुए सूचना पटल बोर्ड में समय सारणी दर्शाया गया था, जहां पर पहली पाली में 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में 3 बजे से 5:15 बजे का समय दर्शित किया गया था, जिस पर केंद्र अध्यक्ष के सील और साइन लगे हुए हैं। महिला परीक्षार्थी ने बताया कि समय सारणी को देखते हुए 3 बजे की परीक्षा में 2:30 बजे पहुंची थी। वहीं महिला ने स्वीकार करते हुए अपनी गलती महसूस की। वह एडमिट कार्ड में लिखे हुए समय पर आना था, मगर उन्होंने रोल नंबर देखते समय 3 बजे से 5:15 बजे का समय को देखने के बाद उसे लगा कि समय परिवर्तन हो गया होगा, जिसके चलते परीक्षा हॉल के गेट में वो 2:30 बजे पहुंची, जहां पर उसे ताला लगा मिला। बात करने से पता चला कि परीक्षा दिलाने लेट पहुंची है, जिसके चलते उसे परीक्षा दिलाने अंदर नहीं जाने दिया गया। महिला ने गलती स्वीकार की, परंतु वह इस सूचना पटल बोर्ड में जो समय लिखा है जिसके कारण वह परीक्षा नहीं दिला पाई, जिसके कारण वह जिम्मेदार व्यक्ति जो गलत समय पटल पर लिखा है, और दीपिका ने कहा कि जिन्होंने सूचना पटल पर गलत समय दर्शित किया है उनके हस्ताक्षर हैं। अपर कलेक्टर से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके लिए लिखित कलेक्टर को शिकायत करने की बात कही गई। वहीं अपर कलेक्टर हीरा गवर्नर एवं तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और महिला परीक्षार्थी को समझाइश दी और बताया कि बोर्ड में जो त्रुटि हुई है वह गलत है, जिसके लिए नोटिस पर लिखित में जवाब देने की बात कही गई। परीक्षा का टाइम टेबल जो है 2 से 5:15 का है और उसी अवधि में परीक्षा संचालित भी हो रही है। एक परीक्षार्थी जो है विलम्ब से आए, जिसकी सूचना 2:30 बजे मिली है, 2:30 बजे के बाद मिली है, इसलिए उनको, क्योंकि 2:15 के बाद अंतिम प्रवेश निषेध हो जाता है, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई है। और जहाँ तक है ये नोटिस बोर्ड में जो 3 बजे वाला मिस्टेक, एक लिपिकी त्रुटि तो हुई है, निश्चित रूप से हुई है। नहीं, उनसे जवाब लेंगे अभी लिखित में, हम राइटिंग में जवाब लेंगे केंद्र अध्यक्ष। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें भी टाइमिंग है, तो परीक्षार्थियों से भी मेरी अपील रहेगी कि उस पर भी बारीकी से ध्यान दें और समय पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आग्रह रहेगा मेरा। सर, महिला जो वंचित रह गई है ये गलत बात है, क्योंकि वो 15-20 मिनट लेट आई थी। अगर वो सही टाइम पे आती तो हम उसको बिल्कुल परमिशन देते। 2:30 बजे वो पहुंची है और वो ये बताइए, यहाँ 400 बच्चे हैं, 400 बच्चों की स्ट्रेंथ है, उस एक बच्ची को ही मतलब गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। सबने और पूरे कॉलेज परिसर में सुधरा हुआ टाइम टेबल लगा हुआ है। व्यापम से जो टाइम टेबल आया है बैल की घंटी की, वो लगा हुआ है क्लासरूम के सामने और सूचना पटल पर भी लगा है सर वो तो, लेकिन ये है कि सुधरा हुआ सब जगह लगा हुआ है। अब वो बाहर का थोड़ा सा नहीं, वो जो छूटा है वो सेकंड शिफ्ट का छूटा है, फ्रंट पहले पे उसमें तो वो नहीं छूटी है बच्ची। सुबह मॉर्निंग का शिफ्ट का तो एग्ज़ाम दी है, तो क्या वो क्लासरूम के बाहर नहीं देखी, सूचना नहीं देखी, सिर्फ स्पेशली बाहर का ही देखेगी? और पूरे कॉलेज परिसर में राउंड लगा रही थी तब उसको वो नहीं दिखा, सिर्फ वो वहीं बाहर का दिख रहा है। महिला ने आप भी थी बताई कि मैंने सूचना बोर्ड में रोल नंबर को देखते हुए समय सारणी को भी देखा था, जिसके कारण मैं 2:30 बजे परीक्षा हॉल पहुंची। समय सारणी 3 बजे से 5:15 बजे दर्शित किया गया है, जिसकी जिम्मेदार केंद्राध्यक्ष शासकीय लक्ष्मण प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय बेमेतरा है। सर, आज मेरा सेकंड पाली में एग्ज़ाम था, फर्स्ट का मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया और मैं टाइमिंग में पहुंच भी गई थी। और जब मैं रोल नंबर चेक की तो इसमें सूचना बोर्ड है यहाँ महाविद्यालय के सामने, दोनों सूचना बोर्ड में टाइमिंग लिखाया था सेकंड शिफ्ट का कि 3 से 5:15। और हालांकि हमारे जो प्रवेश पत्र है उस पर टाइमिंग 2 बजे है, लेकिन मैं सबरे चेक की थी ना रोल नंबर, तो मैं उसको स्पष्ट देखी थी, तो उसके मैं एकदम श्योर थी कि 3 बजे ही होगा एग्ज़ाम ऐसे करके। तो मैं मतलब 2:10 को एंट्री मार ली थी सर यहाँ महाविद्यालय में, लेकिन जैसे ही मैं देखी यहाँ कोई नहीं है तो थोड़ा डर भी गई, शौक हो गई। ऐसे आते आते यहाँ तक उन लोग बता रहे हैं मतलब कॉलेज वाले कि आप 2:25 को आए हो, लेट हो गए हो, ऐसे करके ताला वाला लगा था, उस चक्कर में घबराहट में और लेट हो गया आते आते, तो फिर मेरे को एंट्री ही नहीं दिए सर।
मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया। सर मैं मॉर्निंग में जब रोल नंबर चेक की थी ना, तभी उसी समय देखी थी, पूरा स्पष्ट लिखा है सर, आप देख सकते हैं। बात सर वहाँ, फिर हम यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं, लेकिन मैं अपना देखी और एग्ज़ाम दिलाने चली गई, एग्ज़ाम दिलाने आई थी तो बहुत बड़ी टूटी है सर, इसी चक्कर में मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया सर आज का। अगर मैं इसमें विश्वास कर ली और अपना एडमिट कार्ड में ध्यान नहीं दी, इसी चक्कर में मेरा आज का एग्ज़ाम मिस हो गया। और उसमें 3 बजे लिखा सर, मैं चाहूँगी कि एक बार जो सील साइन किया उससे एक बार पूछिए कि कम गलत टाइमिंग था, तो उसको आप उसी समय क्यों उसको सुधरवाए नहीं मॉर्निंग में जब पेपर दिलाने आए थे हम लोग तब, वरना मेरा आज एग्ज़ाम हो जाता ना। छात्रों ने बताया कि सवेरे पहली पारी में 10 मिनट लेट पहुंची, जिसमें 3 परीक्षार्थी थे, वह जिसमें एक परीक्षार्थी को जाने दिया गया। बताया गया कि वह उनकी पहचान की लगती है, जिसको परीक्षा दिलाने अंदर ले लिया गया, वहीं 2 परीक्षार्थी को नहीं लिया गया। इस प्रकार शिक्षक परीक्षा में भेदभाव करते हुए परीक्षा दिलवाई गई। अंत में ईश्वरी ने बहुत प्रार्थना की, जिसके बाद उन्हें जवाब में बोल दिया गया कि भूपेश काका के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करना। वही परीक्षार्थी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो नियम कानून को तोड़कर भेदभाव से काम कर रहे हैं। मेरी चंदेले है, मैं बारहडेरा नवागढ़ से आई हूँ और मैं बाइक से आई हूँ सर। मैं यहाँ आने में 10 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए मेरे को एंट्री नहीं दिया गया। और हम लोग यहाँ पे 3 आने में लेट हुए थे, जिसमें से एक लड़की को एंट्री दिया गया और 2 लड़कियों को एंट्री नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों नहीं दिए गए, क्या उनके जान पहचान के थे सर? जब मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया, आप भूपेश काका के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, ऐसा करके मुझे भगा दिया गया यहाँ से। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।